गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक राजा ने एक ब्राह्मण को प्रत्येक दिन एक मन दूध देता था, किस लिए? गंगा जी में अभिषेक करने के लिए। ब्राह्मण देवता प्रत्येक दिन एक मन दूध से गंगा जी में अभिषेक करता था। एक दिन ब्राह्मण देवता के घर पर कुछ साधु मंडली पहुंच गया, तो ब्राह्मण देवता के मन में हुआ प्रत्येक दिन एक मन दूध से गंगा जी में जाकर के अभिषेक तो करता ही हूँ, आज संत महात्मा आ गए हैं तो इस दूध का खीर बना करके संतों को भोजन करा देता हूँ। उनकी पत्नी ने, ब्राह्मणी ने कहा, अगर राजा को पता चल जाएगा तो आपको दंड दे सकते हैं, लेकिन अपने वचन पर दृढ़ रहा ब्राह्मण देवता। वो क्या किए, एक मन खीर मतलब दूध का खीर बनाए और जितने संत महात्मा आए थे सबको भोजन करा दिए। महात्मा जी भोजन करके तृप्त हो गए और बहुत ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद दे करके फिर चले गए। रात्रि में राजा को स्वप्न होता है, हे राजन, तुम्हारे दूध से मैं बहुत संतुष्ट हो गई। एकाएक राजा की नींद टूट गई, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं प्रत्येक दिन जो दूध देता था, मैं ब्राह्मण को गंगा माँ में जाके अभिषेक करने के लिए, क्या वो दूध का अभिषेक नहीं करता था? आज ही गंगा जी में अभिषेक किया जिससे गंगा माँ प्रसन्न हो गई और कहा तुम्हारे दूध से मैं बहुत संतुष्ट हो गई हूं। प्रातः काल होने पर एक सिपाही को भेजा कि वो ब्राह्मण देवता को बुला के लाओ। अब ब्राह्मण देवता डरते हुए आए कि पता नहीं राजा को मालूम हो गया हो। ब्राह्मण देवता डरते हुए आए, राजा ने कहा सच सच बताना, मैं जो तुमको एक मन दूध देता था गंगा जी में अभिषेक करने के लिए, क्या आज ही तूने वो गंगा जी में अभिषेक किया और प्रत्येक दिन नहीं करता था? ब्राह्मण देवता ने कहा राजन क्षमा करना, कल कुछ साधु मंडली आ गए थे, मैंने उस दूध का खीर बना करके साधु महात्मा को मैंने खिला दिया, कल अभिषेक नहीं किया और प्रत्येक दिन मैं अभिषेक करता था उस दूध से। इतना सुनना था राजा के नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगे और कहा संत महात्मा की सेवा करने से ही अगर गंगा माँ संतुष्ट है तो मैं आदेश देता हूँ प्रत्येक दिन एक मन दूध का खीर बना के संत महात्मा को खिलाओ। इस कार्य से राजा का भी कल्याण हो गया और ब्राह्मण देवता का भी कल्याण हो गया। इसलिए कहा संतों का सेवा करना चाहिए। गौकर्ण ने अपने पिताजी से, आत्मदेव से कहा था, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिवत्वम। हे पिताजी धर्मम भजस्व सत्यम, सदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए मानव को। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, लौकिक धर्मों का प्रत्याग करना चाहिए। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, संत महात्मा की सेवा करने से ही पिताजी तृष्णाओं का अंत होता है। गुरु महाराज भी, महर्षि परमान जी महाराज कहने की कृपा किए, गुरु की भक्ति
साधु की सेवा अब बिनु कछु नहीं पाई हो। जब तक हम आप गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे, तो कहते कुछ मिलने वाला नहीं है। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें सेवा भाव नहीं साई सुख चैन कहाँ होगा। कहते जिसके अंदर सेवा की भावना नहीं है, वह संसार में सुख और शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। जो सेवा करता है उसी को मेवा मिलता है। इसलिए संत महात्मा की सेवा करना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष जो बने हैं सेवा करके ही बने हैं। गुरु नानक देव पंत में 10 गुरु हुए, घर गृहस्थी में रह करके संत हुए सेवा के बल पर। अभी भी जाएंगे गुरुद्वारा अमृतसर, कोई दार्शनिक लोग जाते हैं अपने से वो सब जूता सीधा कर देते हैं, है ना। गुरुद्वारा में लंगर चलते रहता है, भोजन चलते रहता है। गांव घर में जाएंगे वहां भी आपको कहीं आइए महाराज भोजन कीजिए, कोई भी व्यक्ति जाइए। सेवा की भावना होना चाहिए कुट कुट करके। हाँ, वही गौकर्ण जी महाराज कहते हैं अपने पिता से, धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्मान सेवस से साधु पुरुषान जहि काम तृष्णम अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। मानव को दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। देखो दूसरे के दोष देखने से क्या होता है, उसका अवगुण आपके अंदर आ जाएगा और आपका सद्गुण उसके अंदर चला जाएगा। इसलिए कहा दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। और गुण देखना हो तो अपने इष्ट का गुण देखना चाहिए, और दोष देखना हो मानव को अपना दोष देखना चाहिए। अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिवत्वम। संत महात्मा की सेवा करनी चाहिए और निरंतर परमात्मा का नाम का जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। देखो हम लोग विपत्ति किसको समझते हैं, अगर 2-4 लाख रुपया घाटा हो जाता है तो कहते हैं विपत्ति का पहाड़ आ गया। हाँ, और 2-4 लाख आमदनी हो जाए तो सोते हैं संपत्ति का अंबार आ गया हमारे पास। लेकिन संत महात्मा ने इस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा, इस विपत्ति की विपत्ति नहीं कहा। असली संपत्ति क्या है और असली विपत्ति क्या है, महापुरुषों ने कहा विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। विपदो नैव विपदः, वह विपत्ति विपत्ति नहीं जिसको हम लोग समझते हैं। संपदो नैव संपदः, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसको हम लोग समझ रहे हैं। असली संपत्ति क्या है और असली विपत्ति क्या है, विपद विस्मरणम विष्णो, भगवान का विस्मरण हो जाना यही सबसे क्या है, विपत्ति है। और संपत्ति क्या है, भगवान का स्मरण करें निरंतर, चलते फिरते खाते पीते सोते अहिरनिश अगर जप करते हैं, असली संपत्ति यही है, यही आपके साथ जाने वाला है। संसार का कितना भी संपत्ति हो जाए, जाएगा साथ में? हाँ, एक भी जाने वाले हैं क्या, एक सुई भी जाएगा आपके साथ में? जब शरीर ही नहीं जाता है तो और क्या जा सकता है साथ में? हाँ, तो साधक को चाहिए, मानव को चाहिए निरंतर परमात्मा का नाम का स्मरण करें। यही बात प्रह्लाद जी ने कहा था सारे दैत्य बालकों को बैठाकर, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदभ्यन धूर्तमर्दम। हे दैत्य बालको, जवानी और बुढ़ापे के भरोसे मत रहो। जब से होश हो जाए तब से परमात्मा का नाम का चिंतन करो, स्मरण करो, क्योंकि यह मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, साधन करने के लिए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है, मानव शरीर प्राप्त करके जीवित रहना दुर्लभ है, और जीवित रह करके भी सद्धर्म का श्रवण करना यह दुर्लभ है। तो मानव शरीर मिला है इसलिए सत्संग करने के लिए।
नारद जी ने कहा तसनकादिक ऋषि से, भाग्योदयेन बहु जन्म स्मर्जितेन सत्संग मंचो पुरुषो लवती अदावे अज्ञान हेतु कृतमो मदअंधकारण संविधायो तदोदयते विवेकः। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है और तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, आराम कृपा के बिना यह सत्संग आसानी से नहीं मिलता। नाश मनुज पर छाता है, अब पहले विवेक मर जाता है। जब नाश का घड़ी आता है, पतन का जब घड़ी आता है, तो मानव का विवेक ही समाप्त हो जाता है। और जब उत्थान का समय आएगा, कल्याण का समय आएगा, तो आपका विवेक बना रहेगा। परीक्षित जी ने पूछा था सुखदेव जी महाराज से कि जब मानव का अंतिम घड़ी आ जाए, मरण काल आ जाए, तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा उस समय घबराना नहीं चाहिए, उस समय परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हाँ देखो, हम लोगों के जीवन में जब विपत्ति आ जाती है तो हम लोग चिंता करने लगते हैं। चिंता करने से कुछ मिलेगा, मिलेगा क्या? चिंता करने से और होगा, शरीर में चीनी का रोग धारण करेगा, हाँ ब्लड प्रेशर जो हाई स्लो होते जाएगा, रोग धरेगा। तो चिंता मत करो, तब क्या करना चाहिए? चिंतन करो। चिंतन करने से आपका शरीर का तेज बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और चिंता करने से शरीर का बल भी घटेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा चिंतन करो। ध्यान करने से, जप करने से क्या लाभ होता है? तो शास्त्र में आया है, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम हृर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयम एतर विवर्धते तेजः पापमानम उपहंति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। ध्यान से सुनेंगे, ध्यानम, मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से क्या लाभ होगा? जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा आपके अंदर आ जाएगा। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का ध्यान किया तो द्रोणाचार्य के अंदर जो अस्त्र विद्या था वो किसके अंदर आ गया? एकलव्य के अंदर। जब रावण का बार बार गला काटते थे अब फिर भी जुट जाता था, विभीषण की पुत्री थी त्रिजटा, उन्होंने जाके सीता जी से कहा कि रावण का बार बार गला कटने पर फिर जुट जाता है। सीता जी व्याकुल हो गई कि जिसका गला कटे वो मरेगा। तब सीता जी पूछती है त्रिजटा से कि आखिर रावण क्यों नहीं मरता है गला कटने पर, का इसका कारण सुनो। यही के हृदय बस जान की, जान की उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। रावण रात दिन चिंतन किसका करते थे? सीता जी का। इसलिए सीता जी रावण के हृदय में बैठी हुई थी और सीता जी किसका चिंतन करती थी? भगवान राम का। इसलिए सीता जी के हृदय में भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और भगवान श्री राम के हृदय में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जीव बैठे हुए। कहा अगर भगवान राम रावण का वध कर देंगे, उसके हृदय में तुम बैठी हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब तुम्हारे हृदय में भगवान राम बैठे हुए हैं, उनका भी नाश हो जाएगा। और भगवान श्री राम के हृदय में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जीव बैठे हैं, सबका नाश हो जाए, महाप्रलय हो जाएगा। तब सीता जी कहती है त्रिजटा से आखिर रावण मरेगा कैसे?
का सुनो मरने का कारण, काटत सिर होई है बिकल छूट जाई तब ध्यान, अब तब रावण हृदय में हम मारे राम सुजान का। बार बार जब रावण का गला काटेंगे अब व्याकुल होकर के तुम्हारा ध्यान करना छोड़ देंगे तब रावण मारा जाएगा। इसका मतलब है कि जब तक रावण ध्यान करते रहते तो भगवान राम भी नहीं मार पाते। इसलिए गुरु महाराज कहते ध्यान अभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, चातक की दृष्टि के समान एक टक से देखते रहो, ध्यान करो। जिसका हम ध्यान करेंगे उसका गुण आएगा। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूह दहे, और सदगुरु रूप ही में धारत काम क्रोध मद लोभ दे। सदगुरु रूप का ध्यान करेंगे हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब निकल जाए, क्योंकि सदगुरु के अंदर सब विकार नहीं है। उसका ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर विकार रहेगा। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना कोई आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। अगर अपने इष्ट को बैठाना चाहते हैं तो हृदय रूपी कोठरी को पवित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न बावा। जिसका अंतःकरण निर्मल है पवित्र है वही हमको प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर में छल है कपट है वह हमको नहीं प्राप्त कर सकते। तो साधक को चाहिए पहले एक नाम का जप करें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों का जप करना है, यही तो वेद में पांचवी भक्ति प्रसिद्ध है। और जप करते करते आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। वेद में भी आया है अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षस्वा या व्यंत्रो सुचि। भगवान नाम का स्मरण करने से आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अंदर बाहर सब पवित्र हो जाएगा। या स्मृत पुंडरीकाक्षस्वा या व्यंत्रो सुचि, भगवान नाम का निरंतर जप करते रहना चाहिए। करते करते जब मन एकाग्र हो जाए तो जप से संबंध इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह आपके अंदर आ जाए, तब दृष्टियोग करने की क्षमता आपके अंदर में आए। दृष्टियोग कैसे करना चाहिए? देखिए गुरु महाराज हम लोगों को आरती में साधना संबंधी सारी बात घुसा दिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। किस मंदिर में? इस शरीर रूपी मंदिर में। आरती तन मंदिर में कीजिए। कैसे? दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। दोनों दृष्टि धारों को एक करो, जहां अंधकार में देखने के लिए बताया है वहां देखते रहना है। साधक का काम है देखते रहना। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। असन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु, मतलब बिंदु का दर्शन होगा। सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। यहां तक दृष्टियोग साधन। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरल तर अकारि करि सार शब्द गह लीजिए। हमारे अंदर अनहद शब्द हो रहा है। अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द, जिसको ओम स्फोट उद्गीत प्रणव सार शब्द कहते। आ रही धुर से सदा तेरे बोलाने के लिए, वो परमात्मा के तरफ से आदि शब्द आ रहा है। साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भई सोई शब्द गह लीजिए। उसी को उल्टा नाम भी कहा। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। लोग क्या अर्थ लगाते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज इतने बड़े पापी थे कि राम राम नहीं कह सकते, तो क्या कहते थे? मारा मारा कहते थे। और अभी भी तो संसारिक संसार में एक पर एक पापी भी है, व्यक्ति है क्या जिस जो मोरवा कर मारा कह सकते, क्या राम नहीं कह सकता है वो? यहां क्या कहा? उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम और सुल्टा नाम क्या है? देखो सुल्टा नाम उसको कहते हैं जैसे हम लोग ओम उच्चारण करते हैं, नाभि से उत्पन्न शब्द होता है, नाभि से हृदय में आता है,
कंठ में आता है, मुंह से निकल गया, इसको बकरी वाणी कहते हैं। आँख के नीचे पिंड भाग और आँख के ऊपर ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के तरफ से, परमात्मा के तरफ से जो आदि शब्द आ रहा है, उस शब्द को वाल्मीकि जी महाराज समाधि में पकड़ा। वो शब्द शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अत्यंत वैराग्य बतः समाधि समाहि तस्यैव दृढ़ प्रबोध प्रबोध तत्वस्व बंद मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। क्या कहते हैं, अत्यंत वैराग्य भान को ही समाधि लगती है। अत्यंत वैराग्य बतः समाधि, असमाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध। जिसको समाधि लगती है उसी को दृढ़ ज्ञान होता है, और जिसको दृढ़ ज्ञान होगा वही बंधन से मुक्त हो जाएंगे और वही व्यक्ति नित्य सुख का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। गौकर्ण ने अपने पिताजी से कहा था, न चंद्रस सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैरेकांत जीवना। हे पिताजी, न तो स्वर्ग में इंद्र को सुख है और न तो पृथ्वी लोक में चक्रवर्ती सम्राट राजा को। अरे चक्रवर्ती सम्राट तो युधिष्ठिर भी महाराज थे, सुखी थे क्या? कहते न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैर एकांत जीवना। जो मुनि एकांत में रह करके भगवान नाम का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वही सुखी है। संत कबीर साहब के वाणी में है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु है सबका क्या विवेका हो, घाट है बाढ़ है सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो, असुखदेव अचार दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल न सुनाओ। कहते कहते संत कबीर साहब कहते हैं, साँच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया अजिनिया राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो, अ कहे कबीर सकल जग दुखिया, असंत सुखी मन जीती हो। जो मन पर विजय प्राप्त कर लिया है वही सुखी है, नहीं तो सबके सब दुखी है। हा? मन पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए भगवान श्री राम ने मुक्तिको उपनिषद में हनुमान जी से कहा था, एक तत्व दृढ़ाभ्यासा दिया बन्न विजितम बन प्रक्षिण हे पवन सुत हनुमान। जैसे हेमंत काल में मतलब ठंडी दिन में कमल गल जाता है कि नहीं, का उसी प्रकार साधक एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करने से उनके सारी भोग वासनाएं उनका समाप्त हो जाता है। एक तत्व क्या है? यही दृष्टियोग। दृष्टियोग साधन करने से आपकी इंद्रियां बस में हो जाएगी। पांच ज्ञान इंद्रियां है, आँख कान नाक जीभा त्वचा, अब पांच कर्म इंद्रियां हाथ पैर गुदा लिंग मुख, ये चार मतलब दस पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी। और शब्द साधना करने से आपका मन बस में हो जाएगा। बाहर में सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है, बिल में जब जाता है तो सीधा हो जाता है, उसी प्रकार ये पिंड में ये मन वक्र गति से चलता है, और जब ये शब्द साधना करते हैं तो मन का गति छटपटी समाप्त हो जाता है। इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल बुनी। तो गुरु महाराज हम लोगों को बतलाए हैं कि एक नाम का जप करना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते, और जिस नाम का जप करते हैं उससे संबंधित इष्ट का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद दृष्टियोग करें, शब्द साधना करें, सत्संग करें, ध्यान करें, गुरु की सेवा करें और पर उपकार करें। इसीलिए मानव जीवन हम लोगों को मिला है, ये आप लोगों के सेवा में थोड़ा सा कहा, अजर विवार है, गुरु कीर्तन होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी।